नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह, स्वागत है आपका ग्रीन टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिहार के अंदर जो शादी विवाह होता है उसमें कन्यादान का कार्यक्रम कैसे होता है। कन्यादान का रीति रिवाज यहाँ पे है, देखिए पंडित जी साइड में है और उसके बाद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पे कन्या जो दान कर रही है, मतलब एक तरह से जो वो बीच में बैठी हुई है, दूल्हा इस साइड में बैठा हुआ है और उसके बाद दुल्हन इस साइड में बैठी हुई है, हाथ पे हाथ लगा के उसका मंत्रोच्चारण हो रहा है। उसके बाद कन्यादान का यहाँ पे कार्यक्रम इसी तरह से होता है। छोटा सा क्लिप हमने लिया है, आपको दिखाने की कोशिश किया है कि बिहार में शादी विवाह कन्यादान होते हैं, खास करके मिथिला में इसी टाइप से होता है जो यहाँ पे आपको कन्यादान करने के बाद जस्ट जो है ये विधि विधान होने के बाद यहाँ पे हवन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो है एक लावा छिड़काव का कार्यक्रम भी होगा। ये थोड़ा सा आगे आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और ये छोटा सा क्लिप जो है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पसंद आ रहा हो, और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पर, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं शादी से रिलेटेड। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए और भी बढ़िया सा क्लिप लेकर मैं आगे लेके आता रहूँगा। तब तक यहाँ पे ये विधि विधान का समापन होने वाला है, थोड़ा सा हवन का कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपको जैसे हवन का कार्यक्रम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद विधि विधान होने के बाद लावा छिड़काने का कार्यक्रम होता है, छिड़काव का कार्य करते हैं इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लावा पहले भी देख लीजिए, मतलब लड़की का भाई जो होता है, ये भाई हो भैया हो जो भी हो, ये लावा देते हैं और जो है दुल्हन जो है यहाँ पे हाथ दूल्हा पीछे से पकड़ा रहता है हाथ को और वहाँ पे लावा को छिड़कते हैं, मतलब एक तरह से कहना मतलब हवन कुंड में डालते हैं ताकि लावा फूटे, कहने मतलब अलग ही रीति रिवाज है इनका जो हमारे बिहार साइड में होता है, खास करके मिथिला में। ठीक है, ये छोटा सा क्लिप था जो आप लोगों को वीडियो जो है उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और आगे छोटा सा और भी क्लिप मिलेगा इसी शादी से रिलेटेड जो आपको लोगों को इंटरेस्टिंग करता हूँ जरूर आएगा, पसंद जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सब कन्यादान का कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म होते ही लावा का कार्यक्रम यहाँ पर छिड़काव होता है। ठीक है, ओके, टाटा बाय, 15 मिनट फिर मिलते हैं बढ़िया सा क्लिप लेके। ओके।